अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह ना आज मैं ट्रैवल व्लॉग करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत वक्त बाद व्लॉग करने का मौका मिला क्योंकि इम्तिहान शुरू हो रहे थे, इम्तिहान की तैयारी करनी थी। एक महीना मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, आज इम्तिहान खत्म, ट्रैवल व्लॉग करूँगा। कराची से जाऊँगा बलूचिस्तान, क्वेटा, मतलब 7-8 शहर बीच में आते हैं जोब तक। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सबसे पहले सदर की तरफ, वहाँ पे उर्दू बाजार, उसके बाद फिर गोल्डन मार्केट, फिर लाइट हाउस, फिर डायरेक्ट गाड़ी में बैठेंगे। चलो पहले सदर। अभी यहाँ पे चाय पी रहे, 3 बजे से निकला हूँ सदर की तरफ, सदर बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस। यहाँ पे 3 घंटे गुजार के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो मेरे साथ और साथी एक का है, इसके बाद और एक मेरे आवाज़, ये व्लॉग करने के लिए आवाज़ से रिकॉर्ड नहीं होती है, बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए मैंने सोचा यार माइक से भी माइक। तो अभी चाय पी के उसके बाद जाऊँगा माइक भी चेक करूँगा, मुझे अच्छा सा माइक मिला तो खरीद। और दूसरी बात ये कि एक और भी चीज़ लेनी है, वो वाटर प्रूफ जैकेट है या क्या, ऊपर से जो बांध के फिर पानी में डालते हैं। मोबाइल वैसे वाटर प्रूफ है लेकिन फिर भी उसमें डाल के फिर। यहाँ से मैंने एक बोया माइक लिया क्योंकि मेरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा मसला आवाज़ का होता है। कराची में ट्रैफिक के शोर की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ साफ नहीं आती, और बलूचिस्तान के मेरे जितने भी व्लॉग है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आती है, इसी वजह से मेरे को ये बोया माइक लेना पड़ा। तो अब हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी जाने का वक्त आ गया, वहाँ पर ख़रीदना था बहुत कुछ लेकिन लेट हो गया, वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया, बहुत इमरजेंसी है, वहाँ जाना पड़ा। और माइक भी लिया, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, किसी और का आवाज़ नहीं आ रही मेरे सिर्फ पीछे। और अब बाकी माइक के अलावा बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा था, मैं चेक कर रहा हूँ पे वहाँ से अपना से चेक नहीं किया। सफ़र हुआ शुरू, आगे जाके चला वीडियो करेंगे और माइक लिया इस बार, चला अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मेरे साथ 3 कज़न और 2 दोस्त जो कि मैं खुददार में दिखाऊंगा, अभी सारे आगे पीछे बैठे हुए ना, लोग बात नहीं कर सकते, सारे सोने वाले अभी तक तो सोए हैं क्योंकि गाड़ी अभी शुरू करी सफ़र आगे जाके सारे। तो खुददार में रुकने के बजाय हम खुददार से पहले उथल में रुके, यहाँ पे मुख्तसर सामान लेने के लिए पापड़, नीमको और जूस वगैरह, ताकि वहाँ कुछ ना कुछ खा सके, वहाँ से कुछ भी नहीं लाए। और ये कराची खुददार से थोड़ा पहले है आता है, यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, मतलब +12-15 इस तरह होता है अक्सर। अभी तकरीबन 12 बज गए हैं, खुददार जाना नहीं हुआ, उससे पहले रुक गए यहाँ पे उथल पे, यहाँ पे गाड़ी का मुख्तसर सामान ले लिया और ये खा लेंगे, खाना वाला नहीं लिया वहाँ पे क्योंकि बहुत देर से लेट हुए थोड़ा आने में, इसी वजह से क्योंकि बिरयानी वगैरह खाने रास्ते में खाने अब अच्छे नहीं होते, खराब फिर पेट खराब हो जाता है, सफर बहुत लंबा सफ़र है ना, इसी वजह से छोड़ी होगी सर, जूस और पापड़ वापड़ नहीं होता कि सुबह तक गुजारा हो जाए फिर वहाँ नाश्ता कर लेंगे। तो अब मैं पहुंच गया हूं होटल पे, यहां पे नाश्ते की तैयारी और ये सब कुछ मौजूद है, मेरे 2 कज़न और एक ये नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके फिर उसके बाद अगली टिकट लेंगे, वो तकरीबन 11 बजे की है, वो फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी मैंने इन लोगों से बात की थी, ये लोग अभी फजर के बाद यहाँ क्वेटा पहुँच गए, कुछ और दोस्त भी थे लेकिन वो नहीं आ पाए कुछ काम की वजह से। अभी हम पहुँच कर नाश्ता करेंगे, उसके बाद कुछ शॉपिंग करेंगे, इसके बाद ये रुकूंगा और मेरे बदले सपोर्ट जो है जाएगा। Thank you.
अभी यहाँ पे दोस्तों ने जाने से मना किया आगे, तो यहाँ क्वेटा में एक रात गुजारने का इरादा है। अभी टिकट कैंसिल करने आया, टिकट कैंसिल हुआ और ये व्लॉग फिर कल से शुरू करेंगे। आज क्वेटा में ठहरने का एक नया व्लॉग शुरू करूँगा आगे। मैं हुसैन अहमद और आज हम क्वेटा में अपने दोस्तों को समूर आनंद जो कराची से आए हुए, इनको हमने डिनर पर दावत दी और अभी हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह अभी खाना तैयार भी हो चुका है, कुछ मछली और कढ़ाई पकाई बनाई हमने। फिर मन 4 साल पहले हम एक साथ पढ़ते थे और 2 साल हम लोगों ने एक साथ पढ़ा है 9th और 10th में, और अभी चूंकि दोस्त है अभी हमने खाना शुरू किया। खाना तैयार हुआ करने के बाद फिर बात करेंगे। ये रहा कढ़ाई और ये मछली, ये ग्रीन टी की शक्ल में कोल्ड ड्रिंक। और ये रहा मेरा दूसरा दोस्त जिसके साथ मैंने स्कूल में पढ़ा है तकरीबन 3 साल, नजीब खान। ये सबूर है, ये हम लोगों का दोस्त है, ये कराची से आया हुआ है। तकरीबन 5-6 साल के बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। हम लोगों ने जो में एक साथ पढ़ा है दो तकरीबन 3-4 साल एक साथ इकट्ठे, फिर हम लोग अलग हुए 7th क्लास में। अभी ये हमारे साथ मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत मजा किया, आपस में गपशप वगैरह भी किया। ये रहा एहसान उल्लाह जो कि नजीब का भाई है, इसके साथ भी मैंने जिना ग्रामर स्कूल में 5 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, उसके बाद फिर हम अलग हो गए, तकरीबन 8 साल हुए। हम 3 साल इकट्ठे पढ़े 2014 के बाद, उसके बाद हम लोग अलग हो गए। ये सबुल्ला कराची चला गया, हम अलग हो गए, फिर इसके बाद तकरीबन 7-8 साल हो गए। हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन रखता होता रहा, आज हम लोगों ने मुलाकात की और एक दूसरे के साथ खाना माना खाया। जाने का टिकट लिया है तकरीबन 1:15 बजे का, तो जाना पड़ रहा है जॉब की तरफ। एक रात गुजारी वहाँ पे, उसका भी दोस्तों के साथ में अच्छा खासा गपशप किया। अभी नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता कर रहा हूँ अभी होटल में, उसके बाद फिर सफर इंशाल्लाह शुरू। किसी इंसान से मैंने सुना था कि हर इंसान के सीने में दिल होता है और हर दिल में खिड़की वाले साइड पर बैठने की चाहत, जो कि इस बार मेरी पूरी नहीं हुई। इसी वजह से ये सारे शॉट मैंने खिड़की की तरफ हाथ फैला के लिए है, क्योंकि जब अच्छी जगह आती आके गुजर जाती तब मुझे पता चलता था और मैं कैमरा सही करते वक्त ये सारी जगह निकल जाती थी, और ये सारे शॉट मैंने लिए जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे। तो यहाँ तक मेरी वीडियो हुई ख़त्म, उससे आगे मैंने शॉट नहीं लिया क्योंकि मैं खिड़की वाली साइड मुझे मिली नहीं, तो मैं थोड़ा मूड थोड़ा ख़राब हो। और दूसरी बात, मेन बात ये कि गाड़ी जो मैंने ली थी वो 1 बजे वाली थी, उन्होंने कहा कि नमाज और खाना वाना सब कुछ खा लो, नॉन स्टॉप गाड़ी है, मतलब यहाँ से आगे तक कहीं भी स्टॉप नहीं करने वाली, डायरेक्ट रोड में। इसी वजह से कहीं स्टॉप किया ही नहीं, इसी वजह से मैंने शॉट लिया नहीं। तो यहाँ तक वीडियो हुई ख़त्म। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।